देंगे ना भैया। कोड वगैरह तो वही वापस से गया होगा ना, वो तो चेंज नहीं हुआ होगा। वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। सब लोग आ गए भैया ऑनलाइन में? सब लोग आ गए भैया ऑनलाइन वाले, या कोई बचा है अभी? आ गए सर, आ गए। चलिए ठीक, क्लियर दिख रहा है ना भी आप लोगों को सारी चीजें? ठीक जी सर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए तो सेवरल नेमेटोड्स आर फाउंड एज ए पैरासाइट ऑन डिफरेंट क्रॉप्स इवन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग तक पे नेमेटोड का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर आप भैया उनका नाम लिखिए जो स्पेशल लोग हैं, नाम लिखिए। नाम है मिलोइडी गाइनी इनकग्निशिया। क्या है ये एक नेमेटोड है जो पैरासाइट की तरह पाया जाता है। कहां पे? टोबैको प्लांट में, या आप जैसे बोल सकते हैं सारे के सारे सोलेनेसी क्रॉप्स में। लिखिए भैया मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया। इन्फेक्ट किसको इन्फेक्ट करती है? इट इन्फेक्ट्स क्रॉप्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। क्रॉप्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। एग्जाम्पल में दो लिख लीजिए भैया, एक जो आप हेडिंग लेके आगे बढ़े हो टोबैको, और एक ब्रिंजल भी लिख लो। टोबैको एंड ब्रिंजल। तो मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया इन्फेक्ट क्रॉप्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली एंड कॉजेज क्या? कॉज करेगा रूट नॉट डिसीज। कॉजेज रूट नॉट डिसीज। नीचे क्या लिख देंगे भैया? इसका मतलब क्या है? ट्यूमर कॉज करेगा, ट्यूमर इन रूट सेल्स। रूट की सेल्स में ट्यूमर कॉज करेगा और इसकी वजह से क्या होगी? अब प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी कैसे घट रही है? आपको प्रोसेस पता है, रूट में ट्यूमर हुआ तो अब रूट उतना इफेक्टिवली मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इफेक्टिवली मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो अब प्लांट की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं भैया, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। सेवरल नेमेटोड्स फाउंड एज ए पैरासाइट ऑन डिफरेंट क्रॉप्स इवन ऑन द ह्यूमन बींग, जिसमें एक आपके सिलेबस में है मिलाइडी गाइनी इनकग्निशिया जो इन्फेक्ट करता है क्रॉप्स ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, टोबैको एंड ब्रिंजल।
बीमारी जो काज करते हैं वो है रूट नॉट डिसीज, भैया एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, बीमारी का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। हाँ ट्यूमर लिखा ना, ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब गांठी है भैया, है ना, ट्यूमर बना देगा रूट सेल्स में। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक क्या रूट सेल कहा इंफेक्शन कर रहा है, रूट में इंफेक्शन कर रहा है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कौन कर रहा है, मिलाइडी गाइनी इंटरनिशिया कर रहा है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही नीट में बार बार पूछी जाती है। क्लियर बात। अब मैंने आपको भैया जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से आगे चलेंगे हम। जीन एक्सप्रेशन में मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है किसी की भी अंदर, तो उस करेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए कोई ना कोई क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका मतलब अगर मिलाइडी गाइनी इनकग्निसिया बीमार कर रहा है किसको, टोबैको को, तो पक्का टोबैको में कोई ना कोई प्रोटीन बना रहा होगा। तो पहले हम सीखेंगे कि प्रोटीन कैसे बन रही है, उसके बाद हम सीखेंगे कि उस प्रोटीन को बनने से रोकना कैसे। अगर आप चाहते हो कि डिसीज ना हो तो क्या करना पड़ेगा, बस उस प्रोटीन को बनने से रोक दो। यही बात मैंने वहां सिखाई है, मैंने वहां पे क्या बोला था भैया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर आप चाहते हो जीन का एक्सप्रेशन ना हो तो आप प्रोटीन सिंथेसिस रोक दीजिए, ट्रांसलेशन रोक दीजिए। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट स्टेप्स थे और यूकैरियोट में डिफरेंट स्टेप्स थे, है ना, कौन कौन से स्टेप थे बताना चाहोगे, जीन एक्सप्रेशन को कितने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, किसमें, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, कौन कौन से चार लेवल, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है भैया, कहाँ पे, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, पहले डिस्कस करेंगे यूकैरियोट, कितने लेवल पे, चार, कौन कौन से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और जब ट्रांसपोर्ट होके जा रहा हो, और स्प्लाइसिंग, हाँ ठीक है, ये चार लेवल थे किसके, यूकैरियोट के, और प्रोकैरियोट में ट्रांसपोर्ट हटा दो, स्प्लाइसिंग हटा दो, बचा क्या भैया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और खास तौर पे कौन, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो आपको ये बात पहले से पता है, कौन सी बात, कि अगर आप चाहते हो कि कोई जीन एक्सप्रेस ना हो तो आप बस प्रोटीन सिंथेसिस रोक दो। ठीक भैया, चलिए अब मैं यहाँ पे भैया वो फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं, आप ध्यान से पहले देखेंगे, ये आप साथ में नहीं छापेंगे, है ना, ये आप साथ में नहीं छापेंगे क्योंकि आपके पास इरेजर नहीं है, तो ये आप मेरे बाद छापेंगे, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के छापेंगे भैया, देखिए, हाँ मैं बोल तो दिया भैया, ये वाला छाप सकते हैं, अगला मत छापिएगा, अगले में थोड़ा सा क्या है भैया, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, तो ये आप चाहें तो मेरे साथ बना सकते हैं। चलिए देखिए भैया, हाँ ये बना सकते हैं आप, ये क्या है, बहुत बड़ा सवाल है ये आपके सामने, ये क्या है, सर्कल, गोला, क्लोज्ड सरफेस है, साइंटिफिक भाषा में बिल्कुल बात करो, क्लोज्ड सरफेस, और कोई भैया, और कोई, गॉसियन सरफेस, और कोई भैया मासूम जवाब, अंडा, कौन से जानवर का अंडा खा रही हो आजकल, ऐसा अंडा कौन सा जानवर का है भाई, ऑस्ट्रिच का अंडा खा रही हो आजकल, अभी ऑस्ट्रिच का भी अंडा आएगा, टेंशन ना लो, हाँ क्या भैया, ओम है, हाँ इतनी वैरायटी है थिंकिंग में ना, इतनी वैरायटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस अप टू ओम, फिजिक्स से निकल के बायोलॉजी में घुसे हैं, है ना, इतनी वैरायटी, किसका, बेसन का लड्डू, टेस्टिकल्स, इतना बड़ा टेस्टिकल्स, ओवल शेप होता है ना भैया, अंडाकार होता है वो, चलो भाई ठीक है मैं बताता हूं, जाने दो भाई जाने दो, धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ रही है ना, इससे पहले कि आप कुछ ऐसा बोल दो जो नहीं सुनना चाहिए, मैं बता देता हूं ये क्या है, सुनिए भैया मैं खुद बताता हूँ ये क्या है, आपकी रेंज बहुत ज्यादा वाइड होती जा रही है ना, ये भैया टोबैको की रूट सेल है,
क्या है? रूट सेल टोबैको की। चलो देखो भैया क्या होगा, टोबैको की रूट सेल में होता क्या है, कहां पे इन्फेक्शन हो रहा था, कहां पे? यहां पे लिखा नहीं था क्या? रूट नॉट डिसीज है ना भैया, यहां पे लिख लो कॉजेज रूट नॉट डिसीज इन्फेक्ट्स लिखा था ना भैया, ये इन्फेक्ट्स के आगे लिख दो रूट, ठीक है? तो ये इन्फेक्शन कहां करता है? रूट में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन कहां पे होता है? रूट में होता है, ठीक है ना? अब देखो भैया कौन इन्फेक्शन काज कर रहा है, मिलाइडी गायनी इनकग्निसिया, बहुत बड़ा नाम है भैया, बार बार नहीं लिखूंगा, तो प्यार से बुलाना शुरू कर दो इनको, और प्यार से क्या बुलाओगे? एम आई। एम आई से तो आप भैया वाकिफ ही हैं, है ना? चलो भैया तो ये रहा एम आई, कौन है ये? अरे एम आई तो ठीक है, पूरा नाम बोलो, मिलाइडी गायनी इनकग्निसिया, ठीक है? बार बार बोलते रहो क्लास में याद हो जाएगा। आपको मैंने बताया है जब कोई पैरासाइट किसी होस्ट पे इन्फेक्शन करता है तो खुद नहीं घुस जाता, अपना जेनेटिक मटेरियल भेजता है, बताया ना मैंने ये बात? तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ आएगा? रूट सेल के अंदर। देखिए भैया ये आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल रूट सेल के अंदर, ये रहा उस एमआई का डीएनए। ये क्या है भाई? ये है एमआई डीएनए। ये कौन सा नया डीएनए भैया? एमआईडीएनए मतलब, एमआईडीएनए मतलब भैया मिलाइडी गायनी इनकग्निसिया का डीएनए। कल से जाके इसको खोजने ना मत लगना गूगल पे, है ना? ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है एमआईडीएनए, ये बस आपको समझाने के लिए बोला है, क्योंकि अगर पूरा लिखूंगा मिलाइडी गायनी इनकग्निसिया तो मैं रूट के बाहर चला जाऊंगा, है ना? देखो रूट के बाहर चला जाऊंगा, इसलिए एमआईडीएनए। डन बात है भाई? देखो अब क्या होगा, MIDNA आपके सामने, इसके आगे की सारी चीजें आप खुद बोलोगे, सारी चीजें, है ना? चलो मैं लिख रहा हूं आप बताएंगे। MIDNA से आपको बनाना है mRNA। क्या बनाना है? mRNA। प्रोसेस कौन सी होगी? हाँ DNA से RNA बन रहा है। प्रोसेस कौन सी होगी? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक भैया बिल्कुल सही जवाब, ट्रांसक्रिप्शन। जेनेटिक्स रिवाइज हो रही है आज आपकी, है ना? अब ये जो mRNA है इससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी ना भैया, mRNA से प्रोटीन बनेगी, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। सपोज करिए भैया ये बन गई प्रोटीन, चॉकलेट लग रहा है, ठीक भैया ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन। नन भैया प्रोटीन बन गई, और अभी अभी आपने बोला है कि डिसीज हो रही है, मतलब कोई प्रोटीन बन रही है, तो ये जो प्रोटीन है यही क्या करेगा? डिसीज काज करेगा। यही प्रोटीन क्या काज करेगा भैया? डिसीज काज करेगा। ये एक नॉर्मल टोबैको की रूट सेल में एमआई के इंफेक्शन होने की बात की कहानी है, है ना? हर एक टोबैको या हर एक सोलेनेसी क्रॉप में जब आपका एमआई आके इन्फेक्शन काज करेगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी। अब आपको क्या करना भैया? आपको इसी चीज को रोकना है। क्या रोकना है? आपको पता है जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करना आप जानते हो, है ना? आपको ये बीमारी नहीं होने देनी है। अगर ये बीमारी आप चाहते हो ना हो तो आपको क्या रोकना पड़ेगा? ये प्रोटीन ना बनने पाए, यही तो आप चाहते हो ना भैया। अगर आप चाहते हो प्रोटीन ना बनने पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस mRNA को ट्रांसलेशन करने से रोकना पड़ेगा, है ना भैया? mRNA को ट्रांसलेशन करने से रोकना पड़ेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइलेंसिंग ऑफ mRNA। mRNA को भैया साइलेंट करा देना, चुप करा देना है, है ना? ये बोल बोल के प्रोटीन बना रहा है, इसको क्या कहना भैया? चुप हो जाओ, अब आज के बाद कोई प्रोटीन नहीं बनानी है। दिस इज साइलेंसिंग ऑफ mRNA, या एक और नाम है भैया RNA इंटरफेरेंस, यानी इस RNA के काम करने के तौर तरीकों में आप इंटरफेरेंस कॉज कर दोगे कि वो सिंपली प्रोटीन ना बना पाए। यही है वो नॉवेल स्ट्रेटजी जिसका जिक्र किया गया है आपकी NCERT में। क्या बोला उन्होंने भैया? उन्होंने बोला कि हर एक बीमारी काज करने के लिए
जिम्मेदार है कोई एक प्रोटीन। अगर आप चाहते हो बीमारी ना हो तो आप वो प्रोटीन बनने ना दो, और अगर आप चाहते हो प्रोटीन ना बने तो आपको एक ही लेवल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कौन सा? ट्रांसलेशन। आप एमआरएनए को ट्रांसलेट होने ही ना दो, और उसका तरीका आपको पता है, उसका तरीका आपको पता है। क्या करेंगे आप भैया? आपको पता है ट्रांसलेशन सिर्फ एमआरएनए के एक स्ट्रैंड से होता है, सिंगल स्ट्रैंड से। क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन होता है? नहीं, नहीं होता ना भाई, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता ना। तो किसी तरीके से इस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड कर दो। अगर ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो फिर ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो डिसीज नहीं होगी, और यही आप चाहते हो भैया। तो ये थी कहानी एक नॉर्मल किसकी, टोबैको रूट सेल की, जिसमें इंफेक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे इस इंफेक्शन को रोकने के तौर और तरीके, ठीक है भैया। चलिए अब थोड़ा सा रूट सेल को बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि अब हम उस नॉवेल स्ट्रेटेजी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि कैसे ये काम होगा। देखिए भैया, चलो भाई देखो, आज जरा सा बताओ ये क्या है? ऑस्ट्रिच पे ही अटके हुए हैं, है ना? ये क्या है? ये यही है बस। अब की बार क्या कर रहे हो भैया? चश्मा लगा के देख रहे हो, है ना? दिख रहा है ना चश्मा लगा के? बड़ा हो गया। इस बार आप चश्मा लगा के देख रहे हो, है ना? मैं क्या करूं भैया, इसी को थोड़ा सा आपको जूम करके बड़ा करके दिखा रहा हूं, ताकि इसके अंदर की चीजों को आपको सही से बता सकूं। ये यही है, ये अलग से नहीं है इतना बड़ा, ये यही है भैया। बस मैं बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको इन चीजों को थोड़ा अच्छे से लिखूं तो समझ में आ जाए, है ना? उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर ना आए। शुरुआत वहीं से करेंगे भैया। नाम क्या है इनका? नाम क्या है इनका? टोबैको रूट सेल। इस बार रेड से नहीं लिखे, मतलब समझ रहे हो, खतरा नहीं होगा, खतरा खत्म करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भैया लेकर आते हैं क्या? यही, ये भाई साहब आएंगे इस बार। एमआई निकला घर से, एमआई का मतलब सब लोग नहीं बोल रहे हो, बीमार बीमार आवाज क्यों आ रही है भाई? हाँ ये है भैया, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराएगा अपना? डीएनए, ठीक है। ये डीएनए आया, किसका है ये डीएनए? डीएनए, हाँ ठीक है। एमआई डीएनए आया, इसके बाद की कहानी आपको पता है क्या होगी? क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। चलो भैया ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हो गया भाई, अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? एमआरएनए, ठीक है। तो इस बार मैं एमआरएनए को ऐसा नहीं बना रहा हूं, इस बार मैं एमआरएनए का स्ट्रैंड ओपन करके बेसिस के साथ लिख रहा हूं, क्योंकि अभी आपको क्या करना भैया, अभी आपको इसको साइलेंसिंग करानी है, तो बेस पेयर बनाऊंगा ताकि आप पहचान सको कि कैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे। सेम यही चीज है, बस यहां पे इसको ओपन कर दे रहा हूं भैया। इस बार ऐसा दिखेगा, सपोज करिए भैया ये जो एमआरएनए बना वो ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा ए यू जी सी, उसके पास चार बेस, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं ए यू जी सी ई हो, है ना? इसके पास चार बेसेस हैं, किसके पास? एमआरएनए के पास। अब ध्यान से देखो अगला स्टेप क्या है, नॉर्मल केस में अगला स्टेप क्या है? ट्रांसलेशन, यानी ये एमआरएनए, ये क्या बना हुआ है भैया? ये बना हुआ है एमआरएनए, और ये एमआरएनए क्या करेगा अगले स्टेप में? ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन से क्या होगी? बीमारी हो जाएगी। आपको ट्रांसलेशन रोकना है, आपको क्या करना भैया? इसको ट्रांसलेशन करने से रोकना है, और वजह आपको, तरीका आपको पता है, क्या कर दो? डबल स्ट्रैंड कर दो। डबल स्ट्रैंड आरएनए कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करता। डबल स्ट्रैंड करने का तरीका बहुत आसान है भैया,
इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रैंड आप लैब में बनाओ, है ना, और उसके बाद यहां पे इंट्रोड्यूस कर दो, तरीका नंबर वन। दूसरा तरीका क्या है भैया, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैरी करने वाले किसी वायरस से इंफेक्शन करा दो, जिसके पास वो आरएनए हो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बन जाए। और तीसरा तरीका होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजांस। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजांस, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट होता है भैया, जनरली बैक्टीरियल डीएनए का इस्तेमाल हम करते हैं। उस क्रोमोसोम के सेगमेंट में खास बात यह होती है भैया कि वो मोबाइल है। मोबाइल का मतलब भैया इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट यानी ट्रांसपोजान का इस्तेमाल करके भी ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला एमआरएनए यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए लाके यहां पे घुसा देना है, ठीक भैया। तो मैं देखो यहां से लिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आया यहां पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। क्या आया? कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। जरा सा बता दो, कॉम्प्लीमेंट्री आया है तो इसके बेसिस क्या होंगे? यहां पे क्या होगा? टी होगा, आरएनए है ये, यहां थायमिन की कोई जगह नहीं है, यहां पे यू, यहां पे ए, यहां पे सी, यहां पे जी। अब क्या होगा भैया, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी भैया। यहां पे कितने बॉन्ड? यहां पे, यहां पे, यहां पे ट्रिपल। अच्छा, ये आया कहां से, पहले ये मेंशन करना जरूरी है, ये नीट में पूछा जा चुका है। ये आपने इंट्रोड्यूस कराया कहां से? आइदर लैब में आपने बनाया और आपने वायरल वायरल जीनोम को इंट्रोड्यूस कराया, या फिर तीसरा तरीका जो आपके पास है वो है मोबाइल मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। और इस मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का स्कूल वाला नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट नहीं भाई, ट्रांसपोजॉन। ये तीन तरीके हैं भैया, दिख रहा है ना भैया यहां पे? हाँ, ये तीन तरीके हैं। आइदर आप लैब में इसको बना लो, या फिर आप किसी ऐसे वायरस को लेकर आओ जिसके जीनोम में ये हो, या फिर आप किसी ट्रांसपोजॉन का इस्तेमाल करके इंट्रोड्यूस करा दो। अब भैया आपके सामने ये क्या बना हुआ है बताएंगे? ये है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भैया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन होगा क्या? होगा क्या? यहां लिखेंगे क्या भैया? नो ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन नहीं होगा, अगर ट्रांसलेशन नहीं हुई तो नो प्रोटीन, और अगर प्रोटीन नहीं बनी तो नो डिसीज। अब भैया बीमारी नहीं होगी, और यही तो आप चाहते थे। आपका पर्पज पूरा हो गया या नहीं भैया? तंबाकू बच गया है ना भैया, सैलरी आ जाएगी किसकी? अक्षय कुमार की, ठीक है भैया। ये एक तरीका है, अभी तरीका बचा, वो भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि आधा टेस्टिस खाली क्यों है? आपके मन में नहीं आ रहा है ख्याल कि आधे टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्यों नहीं दिख रही है? है ना भैया, यहाँ पे कुछ और आएगा, ठीक भैया। किसने बोला था टेस्टिस दिख रहा है? ये टेस्टिस ना भैया, छोटा बड़ा हो गया। अच्छा, अगर दोनों एक साइज के होते तो ठीक था ना, तब टेस्टिस बोल देते ना भैया। कभी कभी एक बड़ा हो जाता है, बीमारी का नाम नहीं सुना? हाइड्रोसील है ना भैया, ये हाइड्रोसील का केस है, ठीक है। चलो भैया यहाँ आ जाओ भैया, देखिए डिसीज हुई क्या? नहीं हुई। एक और तरीका है इसी चीज को करने का, दूसरा तरीका कौन सा भैया, ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी देखिए भैया, नहीं तो फिर से फ्री मीटिंग एंड हो जाएगी और टाइम भी हो रहा है। अगला तरीका क्या है भैया? अगला तरीका ये है कि पहले तो आप क्या करो, ये आपके पास एक पहले से रूट रखी हुई है, किसकी? टोबैको की, है ना, और आपको पता है भैया इसमें इंफेक्शन हो सकता है। आप क्या करो, सिंपली एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन उठा के लाओ और इसमें इंट्रोड्यूस करो। सुनिए भैया, सब लोग बात मत करिए, आप एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लाओ। स्पेसिफिक जीन मतलब भैया जो कुछ अलग करने के लिए बनाया गया हो। क्या अलग करेगा बताता हूं, एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लाओ, इसमें इंट्रोड्यूस करो। पहले तो ये बता दो, इसमें अगर आप कोई जीन डालना चाहते हो, वेक्टर क्या इस्तेमाल करोगे?
हाँ, इसमें आप जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, वेक्टर क्या होगा? वायरस। तो वाइको क्या है? प्लांट है, और प्लांट के लिए वेक्टर एक ही है आपके पास, इकोलाई वेक्टर है, होस्ट है वो एटी एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, एक ही तो वेक्टर है आपके पास भाई, प्लांट के लिए एक वेक्टर है, नाम क्या है? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, और एनिमल के लिए एक वेक्टर है कौन? रेट्रो वायरसेस। ठीक है, तो यहां पर एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन का इस्तेमाल करके आप नीमेटोड स्पेसिफिक जीन लाके यहां पर इंट्रोड्यूस कर दो टोबैको की रूट में। अब क्या होगा उस स्पेसिफिक जीन का काम क्या है पता है? उस स्पेसिफिक जीन का काम यह है कि जब वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा ना, तो वो एक साथ आरएनए के दो दो स्ट्रैंड बनाएगा, और दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो एक सेंस स्ट्रैंड होगा और दूसरा एंटी सेंस होगा। सेंस का मतलब समझते भैया क्या? जैसे आपने कोडिंग नॉन कोडिंग पढ़ा था ना, वही सेम बात है भैया, नाम बदल दिया, नाम इस बार रखा है सेंस एंड एंटी सेंस। सेंस का मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और एंटी सेंस का मतलब नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो आप एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को इस टोबैको की रूट में इंट्रोड्यूस करोगे बाय यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, और जब यहां पहुंचेगा तो इस तरीके से काम करेगा कि वो सेंस एंड एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाएगा, और जब सेंस और एंटी सेंस दोनों आएंगे, दोनों दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो बेस पेयरिंग हो जाएगी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, डिसीज नहीं होगा, और यही तो आप चाहते हो भैया, है ना? तो चलिए भैया इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, फिर उसके बाद आप लिखिएगा। इस बार आप क्या करोगे, इस बार आप लेकर आओगे नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, और ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन आप यहां से उठाओगे और इंट्रोड्यूस करोगे कहां पर? इस सेल में। और इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इस्तेमाल किसका करोगे? एटी का, ये याद रखना, किसका इस्तेमाल करोगे? एटी का, पूरा नाम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, पूरा नाम याद रखना भैया, आप लोग भूलिए मत पुरानी चीजों को, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा अच्छे से पढ़ाई करने का। अगर पुरानी चीजें साफ हो रही हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो भैया इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, ये है वो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। ये है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, आपने इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें? टोबैको की रूट में। अब आप क्या करते हो भैया? अब आप कराते हो ट्रांसक्रिप्शन, क्या कराओगे? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कराते समय आपको ये बात पता है कि ये स्पेसिफिक जीन की प्रॉपर्टी ये है कि ये एक साथ दो आरएनए जो बनाएगा वो दोनों क्या होंगे? एक सेंस होगा और एक एंटी सेंस होगा। देखिए भैया, एक कैसा होगा? सेंस एमआरएनए, और दूसरा कैसा होगा? एंटी सेंस एमआरएनए, दो बनाएगा ये एक साथ, एक सेंस एमआरएनए और एक एंटी सेंस एमआरएनए। चलो भैया मैं तीन बेस वाला लिख देता हूं यहां पे, सपोज करिए ये एक इधर बना, ये एक इधर बना, चलो कुछ भी लिख दो, ए यू सी। अगर ये सेंस पे ए यू सी है तो एंटी सेंस पे क्या होगा? क्या होगा? ए के सामने क्या आएगा? यू। यू के सामने क्या आएगा? ए। और सी के सामने जी आएगा। ये दो आपने एम आर एन ए बना दिए, है ना? अब ये दोनों एम आर एन ए क्या है? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे भैया। ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, ये है आपका पहला ए यू सी, ये है आपका दूसरा यू ए जी। अब भैया जब ये एक दूसरे के पास आएंगे इनके बीच में क्या हो गई? बॉन्डिंग। ये क्या बन के तैयार हो गया? डबल स्ट्रैंडेड
आरएनए, आपको क्या मिल गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी और डिसीज नहीं होगी। ये दो तरीके हैं आपके पास किसको रोकने के, किसको रोकने के, प्रोटीन सिंथेसिस को, या यूं कहें उस बीमारी के जीन को एक्सप्रेस होने से रोकने के, ये दो तरीके हैं आपके पास भैया। पहला तरीका क्या है, नेचुरल इंफेक्शन होने दो, उसके बाद जैसे ही वो एमआरएनए बनाए, आप लैब से या वायरस से या ट्रांसपोजान से उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इंट्रोड्यूस कर दो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नो ट्रांसलेशन, नो प्रोटीन, नो डिसीज। दूसरा तरीका क्या भैया, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन ले आओ और उसको एग्रोबैक्टीरियम प्यूमेफेसियंस के थ्रू इंट्रोड्यूस कराओ, ट्रांसक्रिप्शन कराओ, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद सेंस एंड एंटीसेंस दोनों एमआरएनए बनाओ, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए, अब ना ट्रांसलेशन होगा, ना प्रोटीन होगी और ना ही डिसीज होगी। ये भैया आपका था पूरा का पूरा प्रोसेस, किसका भैया, कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है अपने आप को नेमेटोड मिलाइडी गाइनी इनकग्निसिया के इंफेक्शन से बचाने की। और इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस में आपने एमआरएनए को रोक दिया, क्या करने से, ट्रांसलेशन करने से। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। ये पूरी प्रोसेस जो आप पढ़ रहे हैं भैया, ये है साइलेंसिंग, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। आपने एमआरएनए को साइलेंट कर दिया कि भैया प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करनी है, और क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, शॉर्ट में बोलते हैं भैया आरएनए आई, आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए आई। क्लियर है मामला यहां तक भैया, यही है पूरी वो प्रोसेस जिसके थ्रू नेमेटोड से अपने आप को बचाता है कौन, टोबैको। अच्छा ये सब चीजें पता है आपको, ये सब चीजें सारे के सारे यूकैरियोट में नेचुरली प्रेजेंट होती हैं एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। हर एक यूकैरियोट में ये मैकेनिज्म, कौन सा, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए या फिर आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म एज ए नेचुरल प्रेजेंट है, वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें पहले से अपने पास क्या प्रेजेंट है, एबिलिटी सेलुलर डिफेंस की। ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पॉसेस दिस नेचुरल कैपेबिलिटी, कौन सी, आरएनए इंटरफेरेंस या फिर साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए करने की। क्लियर बात है भैया, दो लाइन लास्ट में आपको लिखना है, दोनों मैंने यहां पे लिख दिया है। पहली लाइन जो आपको लास्ट में लिखनी होती है इसको पढ़ने के बाद, वो ये कि द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये जो आपने दिया ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री दिया ना, पहली लाइन लिखनी होती है द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी आइदर वायरल जीनोम आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। लैब का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, ये एक बात आपको लिखनी होती है। और दूसरी बात जो आपको लिखनी होती है वो क्या लिखनी होती है भैया, कि दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस आर साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ए मेथड ऑफ डिफेंस प्रेजेंट नेचुरली इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मैं लिख देता हूं यहां पे भैया, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे यही चीज यहां पे लिख रहा हूं भैया, मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, दिस इज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, सेलुलर डिफेंस एंड फाउंड नेचुरली इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नेचुरली प्रेजेंट है ये मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, एंड दैट्स ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन इन टोबैको प्लांट। अब आप लिखना शुरू करिए, ठीक है, फटाफट लिखिए भैया, भैया ऑनलाइन वालों मीटिंग 5-7 मिनट में खत्म हो सकती है, तो आप लोग अपने फोन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, यही फिगर आपको बनाना है, तो आप लोग फोन में
आइदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा ये, अभी अपलोड करवा देंगे इसको, जैसे आप चाहें। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। मीटिंग किसी भी समय इंड हो सकती है, और अब की बार मीटिंग इंड होगी तो हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, आप समझ लेना क्लास ओवर हो गई है, आज का जो कंटेंट था वो खत्म हो चुका है भाई। तो आप बस स्क्रीनशॉट लेके मीटिंग लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आप कुछ और नहीं पढ़ाने भैया। इसको नॉनसेंस नहीं बोल सकते, नॉनसेंस नहीं बोल सकते, नॉनसेंस अलग है, एंटी अलग है, नॉनसेंस अलग है भैया। ये एयूजी कहां बना रहा है भाई, ये बस एक अलग से मैंने तीन बेसिस लिख दिए और उन तीन बेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, दैट्स इट। ये जरूरी नहीं कि यही बन रहा हो, है ना, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। लिखो भैया, लिख लो, मोबाइल में फोटो मत खींचो, है ना, लिख लो, छाप लो, छापोगे तो भैया अच्छा महसूस करोगे, छापो, फोटो मत खींचो, और फोटो खींचना तो पहले हमको साइड कर दिया करो, तो भाई को स्पॉन्सर मत करवाओ हमसे, है ना। चलो भैया छापो, फटाफट छापिए। देखो कितने समझदार बच्चे हैं ऑनलाइन वाले, बोलते ही भाग गए स्क्रीनशॉट लेके। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं भैया, क्लास ओवर हो चुकी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास ओवर हो चुकी है, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, और उसके बाद आप मीटिंग लीव कर सकती हैं, ठीक है। तो भैया सुनिए, कौन कौन घर जा रहा है, रुक जाओ भैया थोड़ी देर के लिए, अभी फिजिक्स है ना भैया, सुनिए भाई ध्यान से, ये आपका टोबैको खत्म हो गया है ना, अब आपको स्टार्ट करना है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। 33% आपका चैप्टर खत्म हो गया, तीन सेगमेंट में डिवाइड करेंगे चैप्टर को, एक सेगमेंट था एग्रीकल्चर एप्लीकेशन खत्म हो गया, दूसरा सेगमेंट आपके पास क्या है मेडिसिन, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज वगैरह के बारे में। इतना आपको क्लियर है भैया, कोई डाउट है? नहीं, पहले 5 पेजेस आप लोग पढ़ के आए हो पहले चैप्टर का, कौन कौन नहीं पढ़ा, ईमानदारी से हाथ ऊपर करें गर्व के साथ, नहीं पढ़ा, हाँ 1 2 3 4 आप लोग क्यों नहीं पढ़ के आए भैया, पहले 2 पेज पढ़े थे आप, उसके बाद आज मैंने 3 नया बोला था पढ़ने को, टोटल 5 हो गए ना, नहीं पढ़े भैया। कल आप लोग 3 पेज और ऐड कर लोगे, कल आप बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एनसीईआरटी के 8 पेज पढ़ के आओगे, फर्स्ट 8 पेजेस, है ना, और फिर हम डिस्कस करेंगे वो 8 पेजों को कल रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और कल हम स्टार्ट करेंगे भैया, पहले आपको गोल्डन राइस के बारे में 2-3 बातें बताएंगे छोटी छोटी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, है ना। कल मैं आपको दवाइयां बनाना सिखाऊंगा, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में, किसके बारे में, इंसुलिन, कैसे इंसुलिन बनाई गई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भैया, है ना। तो अब आप छाप लीजिए, और छापने के बाद आप भैया घर जाइए, ठीक है, छापिए।
खा लो खा लो भैया, खाते रहिए, क्लास चले तो खाते रहिए, छुट्टी हो तो खाते रहिए, खाना बंद नहीं होना चाहिए। आप लोग बनाए नहीं भैया, घर पे बनाएंगे, बना लेना, छोड़ मत देना। स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंटआउट निकाल के चिपका दिया कॉपी पे, है ना। इतने ज्यादा मॉडर्न मत बनिएगा, बनाएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे।